हेलो दोस्तों, मल्टी एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आम के फ्रेमिंग के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप दशहरी आम, बहुत बढ़िया आम होता है दशहरी, आपको पता है दशहरी आम का फ्रेमिंग किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, ये पौधा है, पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा राज है कि दोस्तों की जैविक खाद का उपयोग किया जाता है और समय से पानी दिया जाता है दोस्तों इसको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फल लग चुका है बिल्कुल, और फल कितने अच्छे और सफाई से कितने अच्छे मात्रा में लगा है। और किसान भाई भी इधर तैयार हैं, बिल्कुल देख रेख करते हैं भैया, ये बहुत ही ख्याल रखते हैं इन पौधों का। जिस तरह से बच्चों का ख्याल रखा जाता है, उस तरह से भैया यहाँ के फ्रेमिंग का ख्याल रखते हैं। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, फल बड़े मात्रा में फल लगा है दोस्तों, और बड़े मात्रा में ये फ्रेमिंग किया गया है। आप जैसा कि देख रहे हैं, सारे तरफ सारे पौधों को आप देख रहे हैं, ये बड़े मात्रा में फ्रेमिंग किया गया और ये फल है, काफ़ी अच्छे मात्रा में फल देता है दोस्तों। और ये वीडियो आप देख रहे होंगे कि फल कितना शेड्यूल और साफ़ है, कोई अंतर नहीं इसमें। तो हर प्रकार के यहाँ पे लगाए गए हैं आम, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, और ये बाहर भी जाता है, फ्रेमिंग किया जाता है दोस्तों। और ये भी है, जैसे कि हर पौधे में इस तरह से आम देखने को आपको मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दशहरी आम का एक खासियत है दोस्तों, देखिए काफ़ी तगड़ा फरा है, कितना काफ़ी मात्रा में फरा हुआ है दोस्तों। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ से फल चुका है, आप देख रहे हैं कितना फरते हुए कितना नीचे तक ये लटक चुका है, देखिए कितना तेज़ी से फरा हुआ आम, बड़ी मात्रा में फरा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट करें। और चैनल दोस्तों हमारा काफ़ी ग्रोथ किया है आप लोगों के नाते, और हम 1000 से प्लस हो चुके हैं सब्सक्राइबर दोस्तों। अब हम चाहते हैं कि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करके हमारे चैनल को मोनेटाइज कराने में आप लोग का सहयोग करें, आप लोग सहयोग करें दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।